मेरे घर पे अटैक कर दिया है सिलेंडर मैन ने और ये सिलेंडर मैन आज मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने इसके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये मुझे मारना चाहता है। लेकिन ये तो मेरे घर के बाहर आ गया। और ये क्या यार, कल रात को पार्टी करके सो गया था और मैं ये भूल गया था कि यार मुझे सुबह उठ के ऑफिस भी जाना होता है, इसीलिए आज मुझे ऑफिस के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और अगर मैंने थोड़ी देर और लेट किया तो मेरा बॉस मुझे आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। और यार मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा बॉस सबके सामने मेरी बेइज्जती करे, इसीलिए मैं जल्दी से चलता हूँ ऑफिस पे। बिकॉज यार मैं ऑलरेडी 2 दिन से काफी ज्यादा लेट जा रहा हूँ और अगर आज भी लेट हो गया तो भाई सैलरी तो काटेगा ही, साथ में बेइज्जती भी बहुत करेगा। वैसे आज एक चीज नोटिस करने वाली है, मैं जब रोज यहाँ से जाता हूँ तो रास्ता काफी ज्यादा भरा होता है पर आज तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। सिर्फ 2-4 कार चल रही हैं लेकिन यहाँ पे कोई आदमी मुझे नहीं दिख रहा रोड पे। क्या बात है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे? खैर ये सब छोड़ो, मैं चलता हूँ जल्दी से ऑफिस, बिकॉज मुझे ऑफिस जाने के लिए वैसे भी काफी ज्यादा लेट हो चुका है आज। और आज के बाद रात को तो पार्टी करूंगा नहीं, वैसे जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं यहाँ पे रास्ता रॉन्ग वे पे आ गया था क्योंकि फिलहाल के लिए तो ये वाला रास्ता बंद पड़ा है, मुझे आगे से लेफ्ट लेना था लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आगे आ चुका हूँ। चलो फिर चलते हैं इस वाले रास्ते पे से। यार इस रास्ते पे तो हमेशा ट्रैफिक लगा होता है लेकिन आज ये पूरा रास्ता बिल्कुल खाली है। क्या बात है यार, बहुत ही ज्यादा सुनसान रास्ता है लेकिन ये सामने कौन है? अरे ये सूट बूट पहन के कौन आ रहा है और ये इसके पीछे से क्या निकल रहा है लंबा लंबा? हाँ कहाँ गया? अरे अभी तो यहीं आ रहा था सामने से। यार कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, कहीं सच में मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? यार ये अचानक मेरे रास्ते में सिलेंडर मैन कहाँ से आ गया? अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा यार, बहुत डर लग रहा है मुझे क्योंकि सिलेंडर मैन यार छोड़ेगा नहीं मुझे। कहीं सिलेंडर मैन की वजह से ही तो इस शहर में आज इतना सुनसान नहीं ना? खैर अभी फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे घर के सामने पुलिस स्टेशन है वहाँ पे चलता हूँ क्योंकि अगर मैं ऑफिसर्स को इसके बारे में बता दूंगा तो सही रहेगा क्योंकि उनके अलावा इसका और कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ऑफिसर्स के पास तो गन्स वगैरह हैं और हमारे पास तो कोई वेपन नहीं है और हम क्या ही कर पाएंगे सिलेंडर मैन का। सिलेंडर मैन कितना ज्यादा पावरफुल होता है और हम इंसान उसका क्या ही कर पाएंगे, लेकिन इन लोगों के पास तो वेपन है तो शायद ये उसे मार दें। सबसे पहले मैं चल के इनसे बात करता हूँ कि क्या इन्हें सिलेंडर मैन के बारे में पता भी है या फिर ये ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ के घूस खाते रहते हैं। एक काम करता हूँ, अपनी बाइक को यहीं पास में ही पार्क कर देता हूँ। लेकिन ये मेरी बाइक अटक क्यों गई? ओ अच्छा निकल गई, चलो मेरी बाइक अटक गई थी यार यहाँ पे, कैसी जगह है ये। खैर अभी चलता हूँ ऑफिसर्स के पास और उनसे पूछता हूँ कि क्या उन्हें सिलेंडर मैन के बारे में कुछ पता भी है क्योंकि वो तो हमारे शहर के अंदर घुस चुका है। हेलो सर, क्या आपको सिलेंडर मैन के बारे में पता है जो सूट उट पहन के हमारे शहर में घूम रहा है और आज जब मैं ऑफिस जा रहा था तो वो मुझे रोड पे दिखाई दिया, वो तो मैं वहाँ से निकल गया नहीं तो वो मुझे मार देता। अरे तुम किस सिलेंडर मैन की बात कर रहे हो जो घर घर सिलेंडर देके जाता है? अरे मैं उस सिलेंडर मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो भूतिया होता है सूट बूट पहन के घूमता रहता है। मजाक कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि तुम किस सिलेंडर मैन की बात कर रहे हो लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भूतिया, उसके पास जादू है और हमारे पास सिर्फ गन्स है और गन से कुछ होने वाला नहीं है। अरे तो अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे तो हमारे शहर को उस सिलेंडर मैन से कौन बचाएगा? फिर तो वो हमारे शहर को बर्बाद करके रख देगा। नहीं नहीं, वो हमारे शहर को बर्बाद नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो मैंने पूरे शहर में कर्फ्यू लगवा दिया है। सर कर्फ्यू लगवाने से हमारा शहर बचने वाला नहीं है। ओके यार एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ, इन लोगों के बस का कुछ नहीं है, फालतू के ऑफिसर्स बने हुए हैं ये। लेकिन यार हमारे शहर में तो आ चुका है सिलेंडर मैन और अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर तो वो हमारे इस पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। और जब ये ऑफिसर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं जबकि इनके पास गन है तो मैं क्या कर पाऊंगा? लेकिन अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है तो मैं अभी अपने घर पे चलता हूँ क्योंकि बाहर रहना मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और यार तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग रास्ते में कहाँ जा रहे हो? पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, ये सब समझ नहीं रहे हैं? वो सिलेंडर मैन इनके साथ बहुत बुरा कर सकता है। खैर इन सबको छोड़ो यार, मैं तो घर पे ही रहूंगा बिकॉज मुझे सेफ रहना है, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है और मैं बेफालतू में मरना नहीं चाहता हूँ। और अब तो मैं एक हफ्ते तक ऑफिस जाऊंगा नहीं, जब तक सिलेंडर मैन गायब नहीं होगा तब तक तो मैं ऑफिस जाऊंगा ही नहीं। और एक तो यार मेरी ये बाइक बार बार गिरती रहती है, इससे मेरा दिमाग और खराब होता है। देखो फिर गिर गई, बैग छोड़ो, कितनी बार उठाऊं उसको, बार बार उठा रहा हूँ लेकिन बार बार गिर जा रही है। खैर बाइक को छोड़ो यार, अभी तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस शहर को कैसे बचाऊंगा। इस शहर को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यार अगर ये सिलेंडर मैन जब तक इस शहर से गायब नहीं होगा मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा और मैं अपना कोई काम भी नहीं कर पाऊंगा और इस पूरे शहर में खतरा अलग से रहेगा। खैर अब क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर एक काम करता हूं, मैं आरजीएस टूल की हेल्प लेता हूं, उससे पूछता हूं कि सिलेंडर मैन क्या है और मैं इससे कैसे बच सकता हूं क्योंकि मैंने कई बार पहले भी आरजीएस टूल की हेल्प ली है। तो एक काम करता हूं, आरजीएस टूल के अंदर जा करके यहां पे टाइप करता हूं सिलेंडर मैन और अगर उसके बारे में इंटरनेट पे कुछ भी होगा तो ये उसके बारे में मुझे सब कुछ बता देगा, इसीलिए फिलहाल मैं आरजीएस टूल की हेल्प लेने वाला हूं। तो चलो मैंने यहां पे टाइप कर दिया सिलेंडर मैन, अब इसको यहां से सर्च करते हैं। तो मैंने यहां पे सिलेंडर मैन के बारे में सर्च कर दिया है एंड यहां पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। यहां पे लिखा है टू सेव योर सिटी फॉलो दीज स्टेप्स, कीप द एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर ऑन द टॉलेस्ट बिल्डिंग। यानी कि यहां पे लिखा है कि अगर मुझे अपने शहर को बचाना है तो एयरपोर्ट पे जो हेलीकॉप्टर है उसे इस सिटी की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पे ले जाकर के रखना होगा। लेकिन यार हेलीकॉप्टर को सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पे रखने से हमारा शहर कैसे बचेगा? वैसे ये आरजीएस टूल स्टार्टिंग
में ऐसे ही काम करवाता है और इसके काम को करने के बाद फिर ये कुछ न कुछ तो ऐसा कर ही देता है जिससे हमारी हेल्प हो जाती है। तो फिलहाल मैं कुछ और कर नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ, ये मुझे जो बोल रहा है मैं वही करता हूँ। और वैसे ही एयरपोर्ट बगल में ही है मेरे घर के, तो चलता हूँ और वहां से हेलीकॉप्टर को उठाता हूँ और फिर यहाँ की इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे ले जा करके रखता हूँ। तो जब तक मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तब तक आप लोग भी एक काम कर सकते हो, और वो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो यार, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट पे। वैसे भी ये एयरपोर्ट मेरे घर के बिल्कुल बगल में ही था और ये रखी है प्लेन, लेकिन मुझे तो हेलीकॉप्टर की बात की गई थी। ओ अच्छा, इसके पीछे यहाँ पे रखा हुआ है हेलीकॉप्टर। तो फाइनली मुझे वो हेलीकॉप्टर तो मिल चुका है जिसे मुझे ले जाकर के इस शहर के सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर रखना है। और यार ये कितना ज्यादा तगड़ा हेलीकॉप्टर है, और आई थिंक हमारे शहर में ये सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर है, और उस हेलीकॉप्टर को आज मैं उड़ा करके इस शहर की सबसे टॉप बिल्डिंग पे ले जाने वाला हूँ। बट यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी भी हेलीकॉप्टर को ड्राइव नहीं किया है, तो पता नहीं मैं इसे सेफ लैंड करा पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन यार मुझे कैसे भी करके अपनी पूरी जान लगा के इसे सेफ लैंड करवाना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं इसे सेफ लैंड नहीं करवाता हूँ तो मैं अपने शहर को नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मेरी लैंडिंग बिल्कुल सेफ हो। वैसे वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वो हमारे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो फिलहाल मैं इस हेलीकॉप्टर को उसी बिल्डिंग के ऊपर ले जाने वाला हूँ। ओ नो, ये हेलीकॉप्टर तो डिसबैलेंस होने लगा, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँ? ओ अच्छा हाँ, वापस से कंट्रोल में आ रहा है ये। वैसे यार आप जो नीचे रोड देख रहे हो ना, कुछ देर पहले हम यहीं पे आए थे और यहीं पे मुझे मिला था सिलेंडर मैन। लेकिन फिलहाल उसे छोड़ो, अभी मुझे सेफ लैंडिंग करने पे फोकस करना चाहिए। आई थिंक कि मेरी सेफ लैंडिंग यहाँ पे हो चुकी है। ओ यस, चलो फाइनली मेरी यहाँ पे सेफ लैंडिंग हो चुकी है। और ये क्या, यहाँ पे तो लिखा आ रहा है फर्स्ट टास्क कंप्लीट, यानी कि मेरा पहला टास्क जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलो यार मैंने पहला टास्क तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट तो कर दिया है। वैसे यहाँ पे जेट पैक रखा है नीचे जाने के लिए, तो चलो इसकी हेल्प से जाता हूँ नीचे। भाई मैं भी तब से सोच रहा था कि यार ऊपर तो इतनी आसानी से आ गया, अब नीचे कैसे जाऊंगा। लेकिन चलो अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी जेट पैक रखा हुआ था मेरे लिए। लेकिन ये जेट पैक खराब है क्या यार, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। ओ अच्छा हाँ, अब काम करना शुरू किया ये। भाई मैं भी कहूँ यार, इतने देर से मैं इसे उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये उड़ी नहीं रहा, कहीं खराब जेट पैक तो नहीं दे दिया, अब मैं यहाँ से नीचे कैसे जाऊंगा। लेकिन चलो जेट पैक तो काम कर रहा था और मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ। फिलहाल मैं काम करता हूँ, इस बड़े वाले रैम के ऊपर रुकता हूँ और देखता हूँ फोन के अंदर कि मुझे दूसरा टास्क क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता अभी और भी टास्क करने पड़े जिसके बाद जाके मैं इस शहर को बचा पाऊंगा, बिकॉज एक टास्क को करने से तो ये मुझे अपने शहर को बचाने नहीं देगा। तो चलो फिर यहाँ पे रुक के देखता हूँ कि मेरा अगला टास्क क्या है। तो चलो फिर फोन को ओपन करता हूँ और ये रहा मेरा अगला टास्क, किल ऑल पुलिस ऑफिसर्स। यार ये क्या बोल रहा है, अभी मैं उन ऑफिसर्स से मिल के आया हूँ, यार वो कितने ज्यादा अच्छे हैं और मैं अब जाके उन्हें मारूं? और मान लो अगर मैंने उन सारे ऑफिसर्स को मार दिया तो अगर मैं उन्हें ही मार दूंगा तो फिर हमारे शहर को बचाएगा कौन? बट यार अभी मैं इस टास्क को कंप्लीट करूंगा और उन सारे ऑफिसर्स को मारूंगा, बिकॉज अगर मैं उन्हें नहीं मारा तो फिर वो सिलेंडर मैन हमें मार देगा। और मैं श्योर हूँ कि अगर मैं इसके सारे टास्क को कंप्लीट करता हूँ तो ये हमारे शहर को बचा लेगा। अगर ये ऑफिसर्स मर गए तो कोई और ऑफिसर्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर पूरा शहर ही खत्म हो गया तो दूसरा शहर कहाँ से आएगा? तो इसीलिए अभी मैं सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर लैंड करने वाला हूँ। यार इतना भी अंदर लैंड नहीं करना था कि सीधा प्रिजन के अंदर घुस जाओ। और यार मैं इस दीवार के आर पार आया कैसे, अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? मैं तो सीधा इस जेल के अंदर ही आ गया। और यार अगर मैं इस जेल के अंदर आ गया तो फिर मैं इस शहर को कैसे बचाऊंगा? अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मैं यहीं से तो अंदर आया था लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। ओ नो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मैं इस शहर को कैसे बचाऊंगा? ये मुझे बाहर भी नहीं निकलने देंगे। लेकिन एक सेकंड, मैं इस दीवार के कोने से तो बाहर निकल आया, पता नहीं कैसे बट बाहर तो आ चुका हूँ। तो चलो फिर जब बाहर आ चुका हूँ तो अब इन सारे ऑफिसर्स का बारी बारी से काम तमाम करता हूँ। सबसे पहले मैं इन कांस्टेबल्स को मारूंगा, उसके बाद बाकी बचे हुए ऑफिसर्स को मारूंगा। तो ये कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले इन्हें मारता हूँ। और ये क्या, ये सारे ऑफिसर्स तो बाहर आ गए। लेकिन कोई ना, मैंने बारी बारी इन सभी का काम तमाम कर दिया और उस ऑफिसर को भी मैंने मार दिया है, बाकी यहाँ पे सारे के सारे मर चुके हैं। यार मुझे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने शहर के सारे ऑफिसर को मार दिया जो कि हमारे लिए यहाँ पे रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन हमने इसे ही नहीं मार दिया। अभी एक काम करता हूँ, इनकी बॉडी को भी जला देता हूँ, बिकॉज ऐसे छोड़ के जाना तो सही नहीं होगा। और ये आवाज क्या यार, ये कहीं बाकी के ऑफिसर्स तो नहीं आ गए ना यहाँ पे? यार मैंने तो ये देखा है नहीं कि मेरे ऊपर 3 स्टार की पुलिस आ चुकी है मेरे पीछे पीछे। यार मैंने इन सारे ऑफिसर को मार दिया लेकिन मैंने ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि मेरे पीछे पूरे शहर की पुलिस लग जाएगी। अब इन प्रिजनर्स को भी मार देता हूँ, बिकॉज मुझे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना, नहीं तो मैं जिंदगी भर जेल में सड़ता रह जाऊंगा। तो चलो फिर मैंने इन सभी को मार दिया। और ये क्या, मेरा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अब एक काम करता हूँ, जेट पैक से यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि अगर मैं कार से या फिर बाइक से निकलूंगा तो ये तो मुझे भाई छोड़ेंगे नहीं, भून भून के रख देंगे अपनी गोलियों से। लेकिन मैं यहाँ पे जेट पैक से निकलूंगा तो इनकी गोली मुझे लग नहीं पाएगी, बिकॉज आसमान के अंदर एक्यूरेट मारना यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत तकड़ा एम होना चाहिए उसके लिए। लेकिन फिलहाल ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, आप नीचे देख सकते हो पूरी ऑफिसर्स मेरे पीछे लगे हुए हैं। खैर ये सब छोड़ो, अभी मैं अपना अगला टास्क देखता हूँ। तो मेरा अगला टास्क है किल 2 डायनासोर, यानी कि मुझे अब 2 डायनासोर को मारना पड़ेगा। यार इंसान को तो तुमने मरवा दिया, आप जानवरों को भी मरवाओगे मुझसे? बट कोई ना, जब मैं यहाँ पे इंसान मार सकता हूँ तो जानवर क्या चीज है। चलो फिर चलते हैं जुरासिक पार्क के अंदर एंड वहां पे जाके
जाके उन सारे डायनासोर्स को मारूंगा। सॉरी, सारे को तो नहीं मारना है, सिर्फ दो को मारना है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जिस साइड मुझे वो वाला सिलेंडर मैन दिखा था यार, अब मुझे उसी साइड जाना पड़ेगा। यहीं पे नीचे वाले रोड पे मुझे वो वाला पिछली बार सिलेंडर मैन दिखा था, और उम्मीद करता हूँ कि यार इस बार तो मुझे सिलेंडर मैन ना दिखे। वैसे जुरासिक पार्क जाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वो हमारे शहर के बिल्कुल साइड में पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। और मैंने जेट पैक लिया है तो मुझे और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन कोई ना, अभी मैं फिलहाल जाने वाला हूँ। वैसे छत पे मुझे एक बाइक दिख रही है। ओ यार, मुझे इस छत पे एक बाइक दिख गई, इसलिए मैंने इस वाली बाइक को ले लिया यहाँ से। मुझे पता है कि ये मैंने चोरी की है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे चोरी भी करना पड़े तो मुझे करना पड़ रहा है, बिकॉज मुझे यार अपने शहर को बचाना है। और इस शहर को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। बाकी तुम देख सकते हो कि वो ऑफिसर्स मेरे पीछे अभी भी हैं, लेकिन वो जुरासिक पार्क के अंदर नहीं आएंगे, बिकॉज इसके अंदर आने से हर किसी की फटती है, तो वो कहां से आएंगे इसके अंदर। बट मैं यहाँ पे इस जुरासिक पार्क के अंदर आ चुका हूँ, और मैंने अपने साथ काफी सारे वेपन्स को कैरी कर लिया है। और यार मैं यहाँ पे इस जुरासिक पार्क के अंदर कितनी देर से अपनी बाइक चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी डायनासोर नहीं मिला। और ये क्या, मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गया, और मुझे डायनासोर की भी आवाज आ रही है। कोई तो डायनासोर मेरे पीछे आ रहा है। अच्छा, ये रहा एक डायनासोर जो कि मेरा कब से पीछा कर रहा था। मुझे वहां पे बीच में आवाज तो आ रही थी, लेकिन मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। बट कोई ना, मैंने यहाँ पे फर्स्ट डायनासोर को तो मार दिया है। अब एक काम करता हूँ, दूसरे वाले डायनासोर को ढूंढता हूँ, और पता नहीं वो मुझे मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि हमारे शहर का ये जुरासिक पार्क काफी ज्यादा बड़ा है, और इसके अंदर डायनासोर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि इस इतने बड़े जुरासिक पार्क के अंदर मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 10 डायनासोर ही है, और उन 10 में से अब मुझे ढूंढना है 9 को। तो चलो, मुझे मिल चुका है एक और डायनासोर। हाँ, मुझे मिल चुका है यहाँ पे टीरेक्स, और फिलहाल मैं इस टीरेक्स को भी मारने वाला हूँ। मुझे पता है कि इन्हें बाकी दूसरी कंट्री से यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन हमारे शहर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना ये, तो इसीलिए यार मैं इन सारे डायनासोर को मार रहा हूँ। तो चलो, ये वाला डायनासोर भी यहाँ पे मर चुका है, और मेरा टास्क भी यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। तो अब जल्दी से इधर से बाहर निकलता हूँ, बिकॉज सिलेंडर मैन भी मैक्सिमम टाइम पे इसी के अंदर पाया गया है, और पता चला कि शहर को बचाने से पहले उसने मेरा काम तमाम कर दिया। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इस जुरासिक पार्क से बाहर निकलता हूँ, और मैं अपनी बाइक को बिल्कुल मैक्स पे भगा रहा हूँ। और लेफ्ट साइड में मुझे एक और डायनासोर दिख चुका है, लेकिन फिलहाल उसे इग्नोर करो, अभी मैं यहाँ से भगने वाला हूँ, क्योंकि उसने मुझे मार दिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। यार मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और मैं इतना ज्यादा अंदर आ चुका था, मैं कब से अपनी बाइक को चला रहा हूँ, बट अभी तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। बट कोई ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज मेरे पास भी ZX10R बाइक है, और ये इतनी ज्यादा सुपर फास्ट है कि मैं बस यहाँ से थोड़ी देर में बाहर निकल जाऊंगा। तो चलो, मैं यहाँ से बाहर भी निकल चुका हूँ, और अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ और चलता हूँ अपने घर के बाहर, सॉरी अपने घर के अंदर चलता हूँ, बिकॉज मेरे पीछे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए थे। बट फिलहाल मेरे ऊपर से स्टार्स तो हट चुके हैं, तो अभी के लिए तो मैं सेफ हूँ, लेकिन सबसे पहले चलता हूँ घर पे, थोड़ा पानी वानी पीता हूँ, और फिर देखता हूँ कि मेरा अगला टास्क क्या है। तो चलो यार, मैंने तो रास्ते में ही नाश्ता भी कर लिया और वहीं पे पानी भी पी गया, तो अब एक काम करता हूँ, अब देखता हूँ कि मेरा अगला टास्क क्या है, और इस अगले टास्क को भी कंप्लीट कर देता हूँ, बिकॉज खाली नहीं बैठना है मुझे। तो मेरा अगला टास्क ये है कि मुझे 2 NPC को मारना है, वो भी डॉग से। यार ये फोन मुझे लगातार ऐसे टास्क क्यों दे रहा है जिसमें सिर्फ खून खराबा हो, यही सब टास्क मुझे क्यों दे रहा है। और यार दुख की बात तो यह है कि मुझे इन सारे टास्क को मजबूरन कंप्लीट करना पड़ रहा है, बिकॉज इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे कैसे भी करके इन सारे टास्क को कंप्लीट करके अपने शहर को बचाना पड़ेगा। चलो फिर मैं अपने डॉगी को उठा देता हूँ, जो कि है जर्मन शेफर्ड। तो अभी इसे लेके चलता हूँ बाहर, और बाहर चल के अपने पड़ोसियों को इससे कटवाता हूँ, बिकॉज वही है जो इसके लायक है। तो चलो चलता हूँ बाहर, और बाहर चल के जितने भी पड़ोसी दिखेंगे सबको इस डॉग से कटवाऊंगा मैं। और यार मेरा डॉग कितना ज्यादा पावरफुल है, मतलब मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ और ये मुझे लेके झेल भी ले रहा है। भाई मैं 80 किलो का हूँ, लेकिन फिर भी ये 80 किलो वजन उठा ले रहा है। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा डॉग इतना ज्यादा पावरफुल है, बट कोई ना, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये क्या, मैं इसके पास आया और मैंने गलती से इसके ऊपर से उतर गया। यार ये कैसा अजीब सा इंसिडेंट हो गया। खैर कोई ना, दोबारा इसके ऊपर बैठता हूँ, और फिर ये कहाँ जा रहे हैं भाई, रुको रुको, तुमको कटवाना है इस डॉग से, बिना तुम्हें काटे मेरा जर्मन शेफर्ड आज यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले तुझे काटता हूँ, रुक रुक तुझे काटूंगा। अबे कहाँ जा रहा है, रुक जा। अबे मैं फिर उतर गया यार इससे। चलो कोई ना, दोबारा से बैठ जाता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं बार बार गलती से नीचे उतर जा रहा हूँ इस डॉग से। चलो फिर मैंने तो इन दोनों को इस डॉग से कटवा दिया है, एंड पता नहीं क्यों इस डॉग से मारने के बाद भी मेरे पीछे पुलिस के स्टार्स लग चुके हैं। बट कोई ना, अभी चलता हूँ अपने घर के अंदर, बिकॉज मैं अपने घर में तो काफी ज्यादा सेफ हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर कोई भी ऑफिसर नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं काफी ज्यादा शरीफ लड़का हूँ। बट मैं कितना शरीफ हूँ ये तो मुझे अच्छे से पता है। खैर ये सारी चीजें छोड़ो, अभी चलता हूँ अपने घर के अंदर, और अब देखता हूँ अपने अगले टास्क को, उसके बाद अगले टास्क को भी कंप्लीट करते हैं। वैसे अब मैं इस जर्मन शेफर्ड को काफी संभाल के रखने वाला हूँ, बिकॉज ये काफी ज्यादा तगड़ा है। तो अब देखता हूँ अपने नेक्स्ट टास्क को, ब्लास्ट प्लेन, यानी कि अब मुझे एयरपोर्ट के प्लेन को भी ब्लास्ट करना पड़ेगा। यार पहले तो इसने मुझसे चोरी करवाई, वो भी किसकी, हेलीकॉप्टर की, जो कि हमारे इस शहर में सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर था, बट फिर भी इसने मुझसे उस हेलीकॉप्टर की चोरी करवाई, और अब हमारे शहर से इस प्लेन को ब्लास्ट करवाने के लिए कह रहा है। और शायद इसे स्मार्टफोन को नहीं पता कि हमारे शहर में सिर्फ एक ही प्लेन भी है, और अगर हमने उसे भी ब्लास्ट कर दिया तो फिर हमारे शहर में कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जाके उस प्लेन को ब्लास्ट करने वाला हूँ, बिकॉज शहर को बचाना। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे आगे पीछे लग चुकी है पुलिस, और ये क्या यार, इस पुलिस वाले ने तो मेरी गाड़ी ठोक दिया। यार ऑफिसर्स अभी मुझे परेशान मत करो, मुझे कैसे भी करके उस प्लेन को ब्लास्ट करके अपने लास्ट टास्क को कंप्लीट करना। और ये क्या यार, ये तो मेरे पर फायर कर रहा है, और मेरी हेल्थ बहुत तेजी से जा रही है, लेकिन कोई ना, मेरे पास सुपर फास्ट बाइक है, तो मैं वहां से
निकल चुका हूँ और ये रहा वो प्लेन, तो अभी मुझे सबसे पहले तो इस वाले प्लेन को ब्लास्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या यार, इस बाइक से उतरते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं काफी स्पीड में आ रहा था और मैं इसके ऊपर से गिर गया। बट कोई ना, चलो यहाँ से लॉन्चर निकालता हूँ और इस वाली प्लेन को ब्लास्ट करता हूँ। तो चलो फिर इस प्लेन के ऊपर लॉन्चर चलाते हैं। तो ये चलाया मैंने पहला लॉन्चर और यार ये नहीं मरा यार, और ये यार कितना ज्यादा तगड़ा प्लेन है हमारे पास यार। थर्ड बार लॉन्चर चलाने के बाद हमारी प्लेन ब्लास्ट हुई, यानी कि हमारे शहर के अंदर इतनी पावरफुल प्लेन थी हमारे पास। बट अफसोस इस बात का है कि मैंने उस प्लेन को ब्लास्ट कर दिया और ये क्या, मेरा ऑल टास्क कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब मैं इस शहर को बचा सकता हूँ। ओ नो यार, मैं तो यहाँ से नीचे गिर गया। और ये क्या, ये आ रहा है सिलेंडर मैन और इसके सामने तो आ रहा है टाइटन, यानी कि मैं, यानी कि यार मैं यहाँ पे बन चुका हूँ टाइटन। और ये क्या, टाइटन को देख कर तो सिलेंडर मैन की फट गई।